അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാഹി ഇറാനിലാണ് ഉള്ളത്, കണ്ടില്ലേ? മലകളാണ്, മഞ്ഞാണ്, ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों. दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैर आफियत से होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको साहब भाई की लैब अपडेट के बारे में बताने वाले हैं कि साहब भाई कहाँ पर हैं और साहब भाई ने आज अपना कितना सफ़र तय किया है. वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं. तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो में बने रहिए. सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं साहब भाई के सफ़र के बारे में. आज है 24 फरवरी और साहब भाई के सफ़र है उसका 217वां दिन है. जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, साहब भाई को आज अपने घर केरला से निकले हुए आज पूरे 270 दिन कंप्लीट हो चुके हैं. अगर दोस्तों हम साहब भाई के अभी लैब अपडेट के बारे में बात करें तो साहब भाई अभी ईरान के अंदर अपने सफ़र को मुकम्मल कर रहे हैं. जैसा कि दोस्तों आप सभी भाइयों को पता होगा, साहब भाई को ईरान में चलते हुए तकरीबन आज 20 से 22 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं, लेकिन साहब भाई का जो सफ़र है वो अभी भी ईरान के अंदर चल रहा है. साहब भाई ने अभी तक ईरान को क्रॉस नहीं किया है. दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा, साहब भाई अभी ईरान में अपने सफ़र को कर रहे हैं, लेकिन अभी ईराक की जो दूरी है वो तकरीबन 650 किलोमीटर के आसपास है. जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, साहब भाई अभी ईराक तक नहीं पहुंच पाए हैं. साहब भाई अभी भी ईरान के अंदर अपने सफ़र को मुकम्मल कर रहे हैं. और जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बता दूँ, साहब भाई जिस तरह से अपना जो सफ़र है वो हिंदुस्तान के अंदर करते थे, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ उनका जो सफ़र है वो ईरान के अंदर चल रहा है. जी हाँ मेरे प्यार दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा, साहब भाई अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप सभी भाइयों को बताऊँ तो इंडिया में साहब भाई का जो सफ़र अगर एक दिन में वो तय करते थे तो एक दिन में अगर माना 40 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है 60 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं. जी हाँ मेरे प्यार दोस्तों, इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साहब भाई का जो सफ़र है वो अभी ईरान के अंदर कितना फास्ट चल रहा है. और दोस्तों और मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों के मन में सवाल आते हैं कि साहब भाई का जो 2023 का हज है वो मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा. तो मैं उन सभी भाइयों को बता दूं, साहब भाई का जो सफ़र है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द साहब भाई ईरान को क्रॉस कर लेंगे और फिर इसके बाद इराक आएगा, फिर कुवैत, फिर सऊदी अरब, फिर मदीना शरीफ में पहुंच जाएंगे. जी हाँ मेरे प्यार दोस्तों, और हम सभी भाइयों को पता होगा साहब भाई का सऊदी अरब का जो वीज़ा है वो उनके पास पहले से ही है. अब साहब भाई के रास्ते में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है. दोस्तों अगर आप साहब भाई की इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी जो है ये वीडियो जो है और लोगों तक भी पहुंच सके और लोगों को पता चले कि जो साहब भाई का सफ़र है वो अभी इस वक्त ईरान के अंदर चल रहा है और साहब भाई अभी इराक में नहीं पहुंच पाए हैं. इराक की जो दूरी है, इराक की दूरी तकरीबन अभी 650 किलोमीटर बचा है. जी हाँ मेरे प्यार दोस्तों, जितने ही जल्दी साहब भाई का 650 किलोमीटर का सफ़र कम्प्लीट हो जाएगा, साहब भाई इराक में पहुँच जाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएँगे.